गाइस यहाँ पर इस ऑप्शन में आप को चले जाना है और इसकी जो है टैक्स की थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेनी है, सेंटर में कर देना है। ओके, जस्टिफाई करें तो नहीं, ठीक है जस्टिफाई करने दें। और जहाँ से हम पहले तो इसका फॉन्ट को अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे। तो फॉन्ट में बोल्ड बिल्कुल भी सिलेक्ट यहाँ पर नहीं करने वाला। यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ यार कुछ स्टाइलिश से मुझे मिल जाए। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सेंटर में। टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो ये थोड़ी सी अच्छी लुक देगी। इस पिक्चर को मैं यहाँ पर स्ट्रोक देने वाला हूँ इसकी बेटर लुक के लिए। स्ट्रोक का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जो मर्जी। ओ वाओ, लुकिंग ग्रेट यार। अच्छा, इसके भी स्ट्रोक का कलर मुझे चेंज कर देना चाहिए। और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा रेड। अच्छा, लुकिंग गुड। वाइट सही रहेगा क्योंकि मैंने सेंटर में इसे ग्रीन दे दिया है तब ये उसकी लुक को ख़राब करेगा। और गाइस अभी हम जो है वेलकम टू गेमिंग वर्ल्ड इसको हम कलराइज करेंगे। वेलकम का हम रखेंगे रेड, सॉरी रेड। पिंक भी ठीक रहेगा। अब इसकी हम स्ट्रोक दे रहे हैं, ये शेडो देखते हैं परफेक्ट। इनर शेडो अप्लाई करके देखते हैं। नो, इनर शेडो नहीं करना, स्ट्रोक अप्लाई करके देखते हैं। गुड यार, बट हम यहाँ पर स्ट्रोक को कम करने वाले हैं तो यहाँ पर स्ट्रोक हम एक बार वाइट अप्लाई। नो 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 नो, दिस इज वेरी बैड। ब्लैक ही बेस्ट रही यार, ब्लैक। अब इसमें हम ओके करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने सेट किया और अब हम लेयर में जाकर ज़रा इसको ऑफ करने वाले हैं। तो गाइस जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा लोगो जो है वो, सॉरी चैनल बैनर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। थोड़ा सा मैं इस पिक्चर को नीचे करने वाला हूँ। ताकि जो बैकग्राउंड है उसके साथ भी बहुत ही अच्छे तरह से क्लिक कर लें। परफेक्ट। ये करने के बाद आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज में जाना है। हाँ गाइस, सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया। तो गाइस यार ये जो है ना, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है और ये जो जितना भी एरिया है यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी। इसी डिज़ाइन से बचने के लिए मैंने आपको कहा है कि आपने बैकग्राउंड डाउनलोड करना है क्योंकि इससे यार बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर नज़र आएगा। अभी ये बैनर मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा और फिर जब मैं यूट्यूब बैनर पर अप्लाई करूंगा तो फिर आपको इस बात की अच्छे से समझ आएगी। तो अभी के लिए हमें थ्री डॉट पर जाना है, एक्सपोर्ट इमेज में जाना है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी तो हमने रखनी ही है, कस्टम डायमेंशन को आपने अल्ट्रा कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। इमेज हमारा सेव हो चुका है, आपने सिंपली चला जाना है अपने यूट्यूब चैनल में, यहाँ पर क्लिक करना है योर चैनल। रिकॉर्डिंग चालू हो रही है 19 मिनट की हो गई है, बट नो प्रॉब्लम। जहाँ पर मैं अनवांटेड जो सीन है उनको कट कर दूँगा। यहाँ पर एडिट पर आपने क्लिक करना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल तो मैंने अपलोड की है। तो यहाँ पर कैमरे के बटन पर आपको क्लिक करना है और चूज़ फ्रॉम योर फोटो, यहाँ पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल बैनर तो यहाँ पर नज़र आ रहा है और अब आपको ज़बरदस्त किस्म की चीज़ में दिखाने वाला, ये बता रहा है कि ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला एरिया टीवी पर शो होगा, ये वाला डेस्कटॉप पर और ये ऑल डिवाइसेस पर। और अभी हमने करना है अपने चैनल बैनर को जूम आउट और बूम,
अब आई थिंक जो मैं आपको बताने वाला था, जिसके लिए मैंने आपको चैनल बैनर का साइज डाउनलोड करवाया था, वो है ये वाली चीज़ भाई। यहाँ पर ज़रा भी मिस्टेक नहीं होती। तो ये थी एक ज़बरदस्त सी ट्रिक जिससे आप एक चैनल बैनर को डिज़ाइन करेंगे और जब इसको आप अपलोड करेंगे तो आपको किसी भी परेशानी का, दिक्कत का सामना करने को नज़र नहीं आएगा। और ये होता है एक परफेक्ट YouTube चैनल बैनर बनाना। तो गाइस यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको आइडिया ही दिया है, आप इस चीज़ को कॉपी भी कर सकते हैं या आप अपने क्रिएटिव माइंड के यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया किस्म का थंबनेल आप पिक्सलैब में बना सकते हैं। सिंपली इसको आपने इस तरह से परफेक्टली जूम आउट करना है और ये परफेक्टली जहाँ पर फिट हो जाएगा उस सेफ्टी बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो अभी हम देखते हैं जहाँ पर हमारा चैनल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ओके गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो था हमारा सारा बैनर था जो हमने डिज़ाइन किया था वो परफेक्टली यहाँ पर शो हो रहा है। और यार कसम से मुझे तो ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, हालांकि मैंने इसे बस ऐवें ही डिज़ाइन किया है चलते चलते, वो जो शाहरुख खान की फिल्म थी ना चलते चलते, मैंने इसको बस चलते चलते ही डिज़ाइन किया और ये ज़बरदस्त किस्म के लुक दे रहा है। बस यार इस वीडियो में इतना ही बना था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।